Mumbai. महानगरी मुंबई में शुरू हुए वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए ऑडिशंस, नन्ही निगाहों में लेकर सपनों के साथ, इसलिए हजारों की संख्या में बच्चे और उनके माता पिता उमड़ पड़े। मेरा नाम अभिनीत मंडल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। ऐसा लगा मानो उत्साह का बवंडर चल पड़ा हो। डिटेल से हम इतना टफ कंपटीशन है, लेकिन बच्चों को कितना इनकरेजमेंट, हमारे बच्चे क्या बताया, हमको लेके चलो। तो मैं लेके, 5 साल की है। मेरा नाम मेघा दास है और मैं स्पेशली रावतला से आई हूँ। हर बच्चे ने लिटिल चैम्प के मंच पर गाने के अपने सपने को साकार करने के लिए पूरी कोशिश की। इतने लोग जो मतलब कि कितने देर दूर से आए हुए हैं और यहाँ से दो चुने जा रहे हैं, उसमें से भी एकदम गलत फैशन हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन हजारों की उस भीड़ से वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए चुने गए सिर्फ 6 बॉयज एंड गर्ल्स। नल बेला सजन आयोरी, कैसी निक सी चांदनी, है जुनू सा सीने में, ओ सजना बरखा बहार आई सैया सैया, कान्हा तू मेरी गलियाना। नए बॉयज एंड गर्ल्स के सिलेक्शन ने टॉप 10 में पहले से पहुंच चुके हमारे बॉयज एंड गर्ल्स को सतर्क कर दिया, साथ ही साथ थोड़े डर की भी भावना थी। टॉप 12 से 6 पार्टिसिपेंट हुए बहुत कंपटीशन करके, फिर अभी तो वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाला है। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था, वाइल्ड कार्ड आने से सिर्फ मुझे ही नहीं सबको डर है। अभी और भी तगड़े तगड़े सिंगर्स आएंगे, मुझे थोड़ा सा डर हो रहा है। मैंने वाइल्ड कार्ड वालों को रियाज करते हुए सुना है, तो उनका रियाज सुन के मुझे लगता है मेरी टफेस्ट कंपटीटर लड़कियों में से संचारी हो सकती है। और लड़कों में से तो अनमोल है। लिटिल चैंप्स के मंच पर उतरने के लिए तत्पर ये नन्हे फनकार म्यूजिक गुरु संजय विद्यार्थी के साथ जुट गए क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग में। लड़कियों में मुझे सबसे अच्छा लगा दिल्ली से सृष्टि भंडारी। लड़कों में दार्जिलिंग से एक लड़का है अपूर्व तमंग। मुझे जिससे डर है वो है लड़कों में से भानु। बाबा दानी जाने निजा दानी बाबा मारे दादानी रे जाजा। और लड़कियों में से है प्रतीक्षा। इस बार 8 पार्टिसिपेंट्स हैं, इन 8 पार्टिसिपेंट्स में से 2 पार्टिसिपेंट्स पुराने वाले हैं जो पिछली बार एलिमेंट हो गए थे, लेकिन फिर से आ रहे दोबारा प्रैक्टिस करके, और मुझे सिर्फ उन दोनों से डर लग रहा है क्योंकि वो बहुत अच्छा गाते हैं। जो है लड़कों में हेमंत ब्रिजवासी और लड़कियों में है प्रियंका मालिया। प्रियंका मेरी फेवरेट सिंगर थी, लेकिन वो अभी एलिमिनेट हो गई थी, तो मुझे लगता है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में वो फिर से आ जाएगी। आई थिंक दिस टाइम प्रियंका विल ओनली विन द वाइल्ड कार्ड एंट्री एज शी इज अ वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट। सो प्रियंका कम बैक एंड रॉक इन द लिटिल चैंप्स। वाइल्ड कार्ड एंट्री में प्रियंका ही आएगी, हेमंत को आना चाहिए। हेमंत बहुत ही काफी अच्छा सिंगर है, इस बार मुझे लगता है वाइल्ड कार्ड एंट्री में हेमंत आएगा। मेरा फेवरेट सिंगर हेमंत था, लेकिन वो एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में उसकी एंट्री फिर से हो। पूरा हिंदुस्तान है हेमंत के साथ में, और हेमंत तुम्हें जीत के जाना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।
दुनिया भर के दर्शकों की डिमांड और लाखों ईमेल्स और लेटर्स के बलबूते पर प्रियंका और हेमंत को भी मौका मिल गया सातवें और आठवें पार्टिसिपेंट के रूप में